अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एक पेशेंट हमारे पास रूटीन अल्ट्रासाउंड के लिए आई है। ऑलमोस्ट 18 वीक्स पे है और ये एनोमली स्कैन के लिए ही आई है। बेसिकली पेशेंट की हिस्ट्री है कि ये इसका पहले भी एक बेबी था जिसका कि कैरियर सर पड़ा था, और उसकी जो है ऑपरेट हुआ था इसका, और उस बेबी सरवाइव नहीं किया। अब जब मैंने इसको देखा है तो मुझे सबसे पहले इसका जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये देखिए। मैं पहले आपको ना, पहले हम मेजरमेंट्स ही इसकी ले लेते हैं, उसके बाद इसकी हम डिटेल में ने वो देखते हैं। अब ये देखें, इसका जो बीपीडी आ रहा है हमारे पास पेराइटल बोन्स का, वो 28 वीक्स पे तकरीबन आ रहा है, और जो फीमर लेंथ इसकी आ रही है वो 19 वीक्स पे आ रही है, यानी कि बहुत ग्रॉस डिफरेंस आ रहा है। और जो अब हम इसके हेड को देखते हैं, तो हेड में हमें ये देखें वेंट्रिकल्स इसके एसिमेट्रिकल हैं। अब पहले तो मैंने इसको देखा, मुझे ये लग रहा है जिस तरह के, यानी कि यहाँ पे देखें हमें फॉक्स भी इसका सही से नहीं नज़र आया एक न्यू में, लेकिन जब मैंने उसको यूं करके देखा है तो ये देखें, ये जो है ना एसिमेट्रिकली तकरीबन डायलेटेड है वेंट्रिकल्स, और ये फॉक्स है, ठीक है। ये इसके पोस्टीरियर फोसा वाली साइड है, इधर हमें सेरिबेलम नज़र आएगा। ये देखें, ये सेरिबेलम है, क्योंकि हाइड्रोकेफलस की वजह से वो उसका पोस्टीरियर फोसा मज़ीद छोटा सा नज़र आ रहा है। और ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। और ये देखें, इसका थर्ड वेंट्रिकल भी डायलेटेड है, एसिमेट्रिकली डायलेटेड है। जो ब्रेन टिश्यू है इसका, वो तो तकरीबन मतलब ना होने के बराबर है, इतनी ज़्यादा उसकी डायलिटेशन हो चुकी है कि अब उसका जो है ना मस्केलेटन, जो इसका सेरिब्रल टिश्यू है, वो नज़र ही नहीं आ रहा, सारा सारा CSF से भरा हुआ है। ये जो है ऑब्स्ट्रक्टिव नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस है, और मोस्ट लाइकली जो मुझे इसकी कॉज नज़र आ रही है वो यही है कि यहाँ पे ब्लॉकेज है। जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल हमारे जो हैं इक्विडक्टल स्टिनोसिस, मैं इसको सबसे पहले वही डिफरेंशियल में लिखूँगी। और दूसरा इसके डिफरेंशियल में आ जाता है, क्योंकि देखिए फॉक्स भी हमें इस तरह से नज़र आ रहा है, तो अगर इस तरह वैसे अगर ये मुझे ऐसे नज़र आए तो मैं इसको होलोप्रोजन कैफली लिख सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे अब ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आ रही है, और इसकी मुझे नज़र आ रहा है कि इसका बीपीडी जो है वो बड़ा होता जा रहा है। होलोप्रोजन कैफली जो होगी ना, उसके अंदर ये डायलेट नहीं होगा, मतलब कि उसमें बीपीडी और FL जो है वो कोरिस्पॉन्ड करेंगे। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन है, हेड उसका बड़ा हो रहा है, तो उसकी जो है ना वो बाईपेराइटल डायमीटर जो है वो बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि उसका हेड बड़ा होता जा रहा है। जो होलोप्रोजन कैफली है उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें ब्रेन टिश्यू की डिवेलपमेंट नहीं हो रही, ये एक मतलब इसमें पॉइंट आ जाता है। फिर बाकी डिटेल्स जितनी भी हम इसमें डिफरेंशियल्स में और चीज़ें भी डाल सकते हैं, जिसमें आर्नल्ड क्यारी मेलफॉर्मेशन है, लेकिन उस आर्नल्ड क्यारी में तो हमें मुझे इसकी कोई एज सच मेनिंगोमाइलोसील नहीं मिल रही। स्पाइन में मुझे इसका स्पाइना बाइफिडा पोस्टीरियर एलिमेंट्स मुझे डेफिशिएंट लगे हैं इसके लंबर में, मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन कोई मेनिंगोमाइलोसील इसकी नहीं बनी हुई। ये इसका स्पाइन है सारा। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर मैं इसको ट्रांसवर्स में करके देखती हूँ ना, तो ये देखिए, इसके जो लंबर रीजन में ना मुझे ये पोस्टीरियर एलिमेंट्स डेफिशिएंट है। बहरहाल कोई प्रोट्रूजन, कोई मेनिंगोसील इसमें नहीं बनी है। बाकी जो इसकी मैंने देख लिया है, तो क्लब फुट मुझे लगा है इसमें, ये देखें एक्यूट एंगल बन रहा है उसका क्लब फुट का, वो भी मैं इसमें मेंशन कर दूंगी। ये देखिए, ये आपको नज़र अब अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ ये एक्यूट एंगल बन रहा है इसकी लेग की बोन्स के साथ, क्लब फुट है। और इसके अलावा फेशियल में मुझे कोई इसकी नहीं नजर लगी, फेशियल मुझे डिफेक्ट इसका कोई ऐसा सच नहीं मिला, बाकी चीज़ें इसकी सारी तकरीबन ठीक है। तो बस यही इसको लेबल करेंगे, और इसकी टर्मिनेशन बनेगी मेरा ख्याल है, क्योंकि इसका हेड अगर इस तरह बड़ा होता जाएगा तो बाद में इसको डिलीवरी के प्रॉब्लम्स आएंगे। बहरहाल हम इसको रेफ़र कर देंगे गायनेकोलॉजिस्ट को, और पीडियाट्रिशियन
डिसाइड करेंगे किसकी टर्मिनेशन हो जानी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।